झूठ बोल रही हो तुम, मुझे प्यार नहीं करती। आना, ये लड़की जैसी भी है जो भी है, कम से कम ऑनेस्ट तो है। सच तो आके बोल रही है कि मुझसे शादी क्यों की थी, मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया था। इसे पैसे चाहिए थे, इसकी जरूरत थी, वो इसकी मजबूरी थी। तुम्हारी मजबूरी क्या थी बताओ? क्यों कर रही हो शेखर से शादी? प्यार मुझसे करती हो और शादी शेखर से कर, क्या वजह थी इसके पीछे? अगर ये शादी हो जाती तो जिंदगी भर इस झूठे रिश्ते का बोझ उठाती तुम? बोलो, शादी तो उससे करते हैं ना जिससे प्यार करते हैं। किससे करती हो तुम प्यार, मुझसे या शेखर से? अगर इतने सालों बाद भी हम साथ में हैं तो उसके पीछे यही वजह है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें तो यही लगा था ना कि मैंने तुम्हें धोखा दे दिया, यू कुड हैव मूव्ड ऑन, तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाता, लेकिन तुम अब तक ये नहीं कर पाई क्योंकि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। दूसरों का घर उजाड़कर अपना घर बसाना चाहती है तू? यही सिखाया परी तुझे मैंने? तुझे पता है अंकिता का कन्यादान मैंने और मानव ने मिलकर किया था, मैं उसके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। उसकी शादी हमने कराई थी, समझी तू? और मैं तुझे उसका घर कभी तोड़ने नहीं दूंगी। कौन सी शादी, कैसी शादी आजी? जो रिश्ता कभी जुड़ा ही नहीं उसको तोड़ने की क्या जरूरत है? अंकिता और नरेन की शादी महज एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, उस दिन नरेन की मॉम जो कॉन्ट्रैक्ट लाई थी वो सच था। अंकिता ने नरेन से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, ये बात उसने मुझसे खुद कबूली है। नरेन से उसने कभी प्यार किया ही नहीं। मैं नरेन से प्यार करती हूँ, मैं क्यों ना उससे शादी करूं? परी, मैं तेरे प्यार की इज्जत करती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि हो सकता है तू नरेन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन अंकिता, अंकिता को भी मैं समझ सकती हूँ। परी, वो लड़की झूठी नहीं है, मैंने उसकी आंखों में परी प्यार देखा है नरेन के लिए, वैसा ही प्यार जैसा मैंने मानव से किया। उसका नरेन के साथ जो पवित्र रिश्ता है मैंने देखा है, मैंने, और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं नहीं मानती कि उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की होगी, मैं नहीं मान सकती। तुझे अपनी सगी पोती से ज्यादा उस अंकिता पे भरोसा है ना? ठीक है, तो जा जा और उससे पूछ ले कि सच क्या है। जो उसने मुझे बताया ना वही वो तुझे बताएगी, तब तुझे समझ आएगा कि वो कितनी झूठी और कितनी सेल्फिश है। वो झूठी नहीं हो सकती, मैं नहीं मानती। वो कुछ भी कर सकती है ताई, एनीथिंग, और उसका प्रूफ है ये लीजिए, उसके सिग्नेचर्स हैं इस पे ताई। अंकिता ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की, आज तक अगर वो रिश्ता निभा रही थी तो सिर्फ पैसों के लिए। ताई, जस्ट लुक एट द पेपर्स। Now, do you believe it? She's just a fabulous actress, Tai. Very believable. जो रोल उसको निभाना था उसने बखूबी निभाया। उसका सिर्फ एक ही इरादा था, पैसे कमाना, और उसने बहुत सारे पैसे कमाए। Now, it's finished. अब हम उसके बारे में बात क्यों करें? I'm just happy कि अब सब खत्म हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, वो परी से शादी कर सकता है, उसको उसका प्यार मिलेगा। That's all I'm concerned with. I'm just happy. That's it. Roshali,
Now what the hell was that? तुमने ताई और नरेन से इतना बड़ा झूठ बोला, ये कौन से पेपर्स हैं? अंकिता ने ऐसे किसी पेपर्स पे साइन नहीं किया था। प्लीज चुप हो जाओ। अगर नरेन ने सुन लिया तो, अगर अपने बेटे की खुशी चाहते हो ना, तो इस बारे में जो भी मैंने प्रोजेक्ट किया है उसको बना कर रखो, ओके? मतलब? अंकिता ने ऐसे कोई पेपर साइन नहीं किए, वो पेपर्स मैंने उसे धोखे से साइन करवाए। मॉम्स ये पेपर है ना? हाँ। लेकिन ये बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। अगर वो पेपर्स हमारे पास नहीं होते, उन पर अंकिता का सिग्नेचर नहीं होता, तो परी दोबारा नरेन की जिंदगी में आने को राजी नहीं होती। अगर ऐसा हो गया तुम जानते हो ना क्या होगा। नरेन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा शिरीष। हम उसे खो देंगे, हम दोबारा नरेन को खो देंगे। आई कांट टेक दैट। अंकिता तो जिद लगाए बैठे है, लेकिन अंकिता को नरेन की जिंदगी से जाना होगा ताकि परी नरेन की जिंदगी में आ सके। मेरे लिए सिर्फ मेरे बेटे की खुशी, मेरे बेटे की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं। और वैसे भी मैंने कभी अंकिता को माफ नहीं किया, उसकी वजह से मेरा रौनक जेल में है। और हमारी कितनी बदनामी हुई तुम जानते हो, कितना बिजनेस में लॉस हुआ। Oh my God, she has to pay. एक बार पेपर्स मेरे हाथ में आ गए, बाकी आसान ही था शिरीष। आई नो कि अंकिता नरेन को प्यार करती है, उसकी उसी फीलिंग्स का मैंने सहारा लिया, बस काम हो गया। ग्रेट। और तुम्हारे इस प्लान का अगर नरेन को पता चल गया तो? उसे पता नहीं चलेगा। और तुम इस बात का बहुत ध्यान रखोगे शिरीष, प्लीज। सब कुछ सिर्फ नरेन की खुशी के लिए कर रही, तो मुझे तुझ पे गर्व है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर तूने वाकई में ये शादी पैसों के लिए की है तो तू मेरी नजरों से उतर जाएगी। इसलिए सच बता। क्या मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे पैसों की जरूरत थी। और यही सच है, मुझे अपने भाई बहनों का भविष्य देखना था, मैं चाहती थी वो खुश रहे। मैं परेशान हो गई थी रोज की भागदौड़ कर करके, थक चुकी थी। मुझे भी चाहिए था कि मैं चैन से रहूं, खुश रहूं, अपनी जिंदगी आराम से काटूं। तब मुझे नरेन ने प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं वो बहुत पैसे वाले और वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। एक तरफ मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी और दूसरी तरफ नरेन का इलाज हो रहा था, और कुछ नहीं। मुझे आपको ये सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था कि ये सारी बातें हैं, लेकिन आप मेरी शादी में इतनी इमोशनल हो गई थी कि मैं कुछ कह ही नहीं पाई। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई हो तो। कुछ सही नहीं अंकिता, कुछ सही नहीं। आई डोंट बिलीव दिस। हम कभी कभी लोगों को पहचानने में कितनी गलतियां कर देते हैं ना। हमने वो अंकिता के बारे में क्या सोचा था और देखो वो क्या निकली। तुझे पता है आई भी कितना अपसेट है ये सबको लेकर। मेरी तो वो दोस्त थी, जब इतना करीब रह के भी मैं उसे पहचान नहीं पाई तो कोई और क्या पहचानता। लेकिन सबसे ज्यादा दुख पता है किस बात का, कि मैं ऐसी लड़की के लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस करने जा रही थी। मैं जानती हूँ पिया, मैंने खुद को नरेन से कैसे दूर रखा है। उसकी तबीयत खराब थी फिर भी मैं उसके पास नहीं गई, सिर्फ अंकिता के लिए। और वो अरे रिलैक्स, काम डाउन। अच्छा तुम यहाँ आके बैठो, हम उसके बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं। बताओ तूने क्या सोचा, तू आगे क्या करने वाली है? आगे आगे मैं नरेन से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन तूने तो उससे कुछ बताया भी नहीं है। उसने तुझे प्रपोज किया था, तूने उसका भी उसे रिप्लाई नहीं दिया। पिया मैंने शेखर से शादी नहीं की, यही मेरा जवाब है। हाँ लेकिन ये काफी नहीं है, तुझे जाकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होगी। तुम दोनों के बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, उन सबको क्लियर करना होगा, है ना? तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाती हूँ। अरे रिलैक्स, डोंट गेट सो एक्साइटेड, अभी इतनी रात हो चुकी है, तुम कल चली जाना। हाँ मैं कल सुबह जाऊंगी।
पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।